मेरा सीधा सा सवाल है कि 2019 का जो उसको शिथिल करने के विचार सरकार रखती है, चूंकि पूर्ववर्ती सरकार, वो शिथिल होने से महोदय पोर्टल खोले और निश्चित रूप से जो है जो शिक्षक जाना चाहते हैं गृह जिला वो अपने जाएंगे। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, ऐसा शिथिल करने से, इस नियम को शिथिल करने से बहुत ही असहज स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि सारे शिक्षक जो चाहेंगे कि कुछ चाहेंगे कि हम रांची में रहें, कुछ चाहेंगे जमशेदपुर, धनबाद और छोटे जो हमारे इलाके हैं, जो आउटस्कर्ट के हमारे प्रखंड्स हैं, उनमें शिक्षकों की घोर कमी हो जाएगी और विषयों में भी, विषय में भी असमानता हो जाएगी। तो पोर्टल एक तैयार किया गया है, उसका जांच ट्रायल चल रहा है, उस पोर्टल के माध्यम से जो शिक्षक आवेदन करेंगे और उनका अगर सही ये होगा कि हाँ उनका वहाँ अपने गृह जिला में या दूसरे जिलों में जाना नितांत आवश्यक है, तो उस पर सरकार विचार करके उनको स्थानांतरित करेगी। महोदय बोलिए। माननीय सदस्य मथुरा जी, महोदय, माननीय मंत्री जी बैठिए, माननीय मंत्री जी, महोदय माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि रांची में ज्यादा रहना चाहिए, हम तो गिरी जिला बोले हैं महोदय, ऐसा थोड़ी है कि सभी शिक्षक रांची जिला का हैं, हम तो 24 जिला के बात रखे हैं महोदय कि सब अपना गिरी जिला में स्थानांतरण का, और इसके लिए जो भी सरकार का आवश्यकता पड़े इनको निर्णय लेने की आवश्यकता है। माननीय अमित जी कुछ बोल रहे हैं, सुन के एक बार जवाब दीजिए, एक बार बोलिए, आप प्रश्न बोलिए, खाली प्रश्न बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें हुआ क्या है कि मान ली हजारीबाग जिला का कोई शिक्षक साहबगंज में है, तो जो शिक्षक का जो नियमावली है अध्यक्ष महोदय, उसमें कहना है कि उसको मातृभाषा में वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाना है। अब हजारीबाग का लड़का जामतारा का भाषा, पाकुड़ का भाषा या फिर वहाँ का भाषा में वहाँ के बच्चे नहीं समझते अध्यक्ष महोदय, तो बच्चों को पढ़ाने में काफी कठिनाई हो रही, शिक्षकों को उनको उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा अध्यक्ष महोदय, भले शिक्षकों की हम बहाली गिनती के अनुसार से हम कर दिए, लेकिन हजारीबाग जिला कोडरमा या रांची का जिला का जो शिक्षक है, क्या साहबगंज का मातृभाषा में पढ़ा सकता है अध्यक्ष महोदय? नहीं पढ़ा पा रहा, काफी विसंगतियां आई। ठीक है, ठीक आ गया, आग्रह होगा माननीय मंत्री जिला में इसको पदस्थापित करना अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, सारी बातें स्पष्ट कर दी गई है उत्तर में कि रिक्तियों के अनुसार जिलावार रोस्टर बनाकर आरक्षण को देखते हुए और बहाली की गई थी कि कहां कितनी जरूरत है, और उसके अनुसार आज अगर एक मुश्त अगर अपने गृह जिले में अगर स्थानांतरित कर दिया जाता है शिक्षकों को, तो बड़ी असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी और जो हमारे छात्र हैं उनको जो सभी विषयों में शिक्षण कार्य नहीं कराने वाले शिक्षक उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, इसलिए ऐसा एक बारगी करना संभव नहीं है। जैसे जैसे आवश्यकता के अनुसार जिनका नितांत आवश्यक है वैसे शिक्षकों को हो गया, मतलब गृह जिले में हो गया, सोच रहे हैं हो गया मतलब बाबू, कहाँ हुआ मुझे? आपके विषय पर ध्यान दे रहा है, ये तो शुरू से एक ही रट माननीय मंत्री जी रटे हुए कि शिथिल नहीं करेंगे, तो शिथिल नहीं करेंगे तो कैसे ही करेंगे आवश्यकता अनुरूप, हम तो ये माननीय मंत्री जी पोर्टल खुलने के क्रम में नियम में तो कुछ शिथिलता आएगा कि नहीं, तो माननीय सदस्य को बताइए, तो निश्चित आ जाएगी पोर्टल खुलेगा और पोर्टल का ट्रायल रन चल रहा है, ट्रायल रन चल रहा है, बहुत जल्द पोर्टल खुलेगा और उसमें बंधु जी को भी मान्य सदस्य बंधु जी कुछ बोल रहे हैं, बैठिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व के सरकार के द्वारा जो बनाई गई नियमावली है मैंने देखा है, ये नियमावली में जब तक नियुक्ति नियमावली में संशोधन नहीं करेंगे संभव नहीं है, और नियुक्ति नियमावली में निश्चित रूप से संशोधन किया जाना, इसलिए कि पति रह रहा है साहेबगंज में, पत्नी रह रही है गुमला में, ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए इसमें नियमावली में संशोधन करने का मैं आग्रह करूंगा। प्रदीप जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में, इनका जो हस्ताक्षर है वो लोग नहीं है। बात बंधु जी ने और महतो जी ने उठाया था अभी कि भाई नियमावली में स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि आपकी नियुक्ति फलाने जिले के लिए की जाती है, तो बिना नियुक्ति नियमावली में संशोधन की अगर आप करेंगे तो प्रतिनियुक्ति होगा, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आप सेवा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें ये प्रावधान करना होगा कि विशेष परिस्थिति में आपको जिले में भेजा जा सकता है, अगर विशेष परिस्थिति का कुछ परिस्थितियों का जिक्र करते हुए ये क्लाउज नियमावली में जोड़ना होगा, तब पोर्टल में फिर इन बातों को अंकित करके आप सब ट्रांसफर कर सकते हैं, ये मेरा हाथ में होगा। माननीय मंत्री जी संक्षेप में बता दीजिए। महोदय बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, शायद
मुझे लगता है कि कहीं से समझने में कठिनाई हो रही है कि अगर पति रहते हैं साहेबगंज में और पत्नी रहती है डाल्टनगंज में तो उसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। वैसे परिस्थितियों में जो जिनको जरूरत के अनुसार अगर गृह जिला में जो बात वो तो अभी बताया प्रदीप जी ना, अदरवाइज जो तो प्रतिनियुक्त के रूप में आपको माना जाएगा, इसलिए संशोधन करना है, इस बात को सरकार को मानना चाहिए। संशोधन तो पोर्टल तो तैयार उसके लिए किया गया, उसके पोर्टल में आवेदन ऑनलाइन आवेदन। अच्छा माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री सोनू जी कुछ बोल रहा है, सुन लीजिए उसके बाद एक बार जवाब दीजिएगा। सोनू जी बोलिए। जब सरकार तृतीय वर्ग की नियुक्ति की मूल अवधारणा जिलों में पदस्थापन को अगर सार्वभौम सिद्धांत मानती है तो सरकार को निश्चित रूप से नियमावली में संशोधन करना चाहिए। और मैं आसन से आपसे यह आग्रह करता हूं कि यह व्यवस्था दें कि नियुक्ति नियमावली में परिवर्तन करते हुए वैसे सभी अभ्यर्थियों को जो गृह जिले को में पदस्थापन चाहते हैं उनको प्राथमिकता दें। और एक मेरा बात पूरे हो जाने दें मान्यवर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये पोर्टल उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं पदाधिकारियों के रहमो करम पर छोड़ देगा कि पिक एंड चूज होगा कि कौन अभ्यर्थी अपने गृह जिले जाएंगे अथवा ना जाएंगे। इसलिए मान्यवर मेरा आग्रह है कि आप व्यवस्था दे, सदन आसन व्यवस्था दे और सरकार उसका अनुपालन करे। माननीय मंत्री जी सबको समझते हुए, सबका भावना को समझते हुए सवाल एक ही तरह का है। और अभी भाषा की भी बात आई थी तो जहां भी जो आवेदन करते हैं तो प्रावधान है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को उसे उत्तीर्ण करना होगा तभी वहां उनकी बहाली होगी। और दूसरी बात है कि एक मुश्त स्थानांतरण के लिए अभी ये विचार करना होगा, हम यही आश्वस्त कर सकते हैं कि इस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। चलिए ठीक है हो गया, विचार करके निर्णय लेंगे मथुरा बाबू। 2019 का वो शिथिल होगा तभी होगा महोदय। हाँ ठीक है, उसी पर विचार होगा 2019 उस पर कब तक विचार होगा महोदय? माननीय संसदीय मंत्री ये समस्या सदन का भावनाओं को समझते हुए जी बहुत पुरानी है और बहुत लोगों ने अपने अपने जिला जाने के लिए आवेदन की बात कर रहे थे, आवेदन भी बहुत बार दिया है लेकिन जो जहां था यथावत वही है। और समस्या है किसी का पति और पत्नी एक दूसरे से काफी दूरी में अपना अपना पाती है पाते हैं तो इसे समस्या का निश्चित तौर पर नियमावली का बदल करके ही ये सहूलियत दिया जा सकता है। इसलिए इस बात को संज्ञान में लिया सरकार, बाद में विचार करके नियम। ठीक, माननीय सदस्य बद्रीनाथ राम जी। अध्यक्ष महोदय जवाब मिला है अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जवाब ठीक वैसा ही जवाब है जो पिछले सत्र में मिला था, उस पर हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम 2 महीने के अंदर उसकी जांच करा के कार्रवाई के लिए और नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन 2 महीने में पूरा लगभग 1 साल बीतने जा रहा है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय उत्तर भी इनका थोड़ा सा भेग है। एक जगह ये कहते हैं कि 2.5 एकड़ जमीन चाहिए, 1.79 वहां जमीन है, दूसरी तरफ इन्होंने ग्रामीण विकास से मांगा है 2 एकड़ जमीन। इन्हीं की संस्था कहती है कि 2.5 एकड़ जमीन चाहिए कम से कम, अपने जवाब में लिखता है 2.5 एकड़ जमीन कम से कम होना चाहिए। अभी जो जमीन मांगा गया है 2 एकड़ मांगा गया है, अध्यक्ष महोदय तो ये कंट्राडिक्टरी जवाब जो है। और उसके बाद अभी पिछले सत्र में जो जवाब आया अध्यक्ष महोदय उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि एक कदम विभाग आगे बढ़ा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जवाब में दिया गया है कि 3 तारीख को सचिव ग्रामीण विकास विभाग से उपायुक्त ने पत्र भी लिखा है और फिर विभाग ने 4 तारीख को लिखा है, ये 2 तारीख से आ रहा है मेरा, तो 3 तारीख को और 4 तारीख को पत्र लिखने का आशय है अध्यक्ष महोदय कि जब ये दोबारा से आया ध्यान आकर्षण में तब इस पर कार्रवाई शुरू हुई है, फिर सत्र खत्म होगा, फिर ऐसे अगर विभाग बैठ जाएगा अध्यक्ष महोदय तो मालूम बात जैसे अस्पताल में जगह में जहां पर अधिसंख्या आबादी SC ST की है, सक्षम लोग बाहर आते हैं, रांची आते हैं, लातेहार चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब आबादी है बालूबाद की सुदूर देहाती क्षेत्र के लोग वहां आते हैं और बिना इलाज के उनको लौटना पड़ता है या फिर लातेहार या रांची आते हैं अध्यक्ष महोदय। तो ये लोक जनकल्याणकारी राज्य में
स्वास्थ्य के प्रति इतनी लापरवाही विभाग अगर करता है अध्यक्ष महोदय तो ये चिंतनीय विषय है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसको स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य वैद्यनाथ जी ने जो प्रश्न उठाए हैं इस प्रश्न से हम सहमत हैं। इस बात से सहमत नहीं है कि विभाग उदासीन है, हम इस बात से सहमत हैं कि जो ये बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और ये मामला बहुत पुराना है अध्यक्ष महोदय। और इनके तीन ही मूल प्रश्न हैं मैं समझता हूँ। एक तो ये चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो सामुदायिक केंद्र है हमारा सीएससी, वो पहले इन्होंने कहा था कि दुरुस्त किया जाए, लेकिन उसका हम लोगों ने आकलन कराया है अध्यक्ष महोदय, वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और एक एकड़ 79 डिसमिल जगह पर है, जबकि उसकी आहर्ता 2.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने उपायुक्त से 2 एकड़ जमीन और मांगा है, जिसका उपायुक्त ने हम लोगों को भेजने का स्वास्थ्य विभाग को, जैसे ही 2 एकड़ प्राप्त होगा तो हम उसको अग्रिम कार्रवाई कर देंगे अध्यक्ष महोदय। और दूसरा है कि इनके एक और सवाल है कि इसमें जो अनियमितता हुई है, संवेदक और जो अभियंता हैं इनके विरुद्ध विभाग कार्रवाई करने जा रही है अध्यक्ष महोदय। और हम चूंकि इस जर्जर भवन को पूरी तरीके से तोड़कर फिर से इसको नया बनाने की आवश्यकता है, इस पे विभाग जो है संकल्पित है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं ये कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि जो सरकार का जवाब आया है उसमें ये 2.5 एकड़ की बाध्यता बता रहे हैं, फिर जो 2 एकड़ जमीन व्यवस्था करने की बात हो रही है तो क्या उसमें अस्पताल पूरा हो पाएगा अध्यक्ष महोदय? मैंने ये कहा है कि जो अस्पताल अभी बन रहा था जो जर्जर है, वास्तव में अध्यक्ष महोदय उसके साथ बड़ी विचित्र घटना हुई है। ये विभागीय काम के नाम पर एक ही अस्पताल में पता नहीं कितने ठेकेदार को एक कमरा तुम बनाओ, दो तो कमरा वो बनाएगा, तीसरा कमरा वो बनाएगा, इस तरह करके पिछली सरकार में जिस तरह से इसमें लूट हुआ है। अध्यक्ष महोदय इसका इसमें राशि उपलब्ध कराई गई थी और 1,25,00,000 रुपए इसमें ऑलरेडी खर्चा दिखाया गया है, लेकिन उसका एक कमरा भी काम के लायक नहीं है। निश्चित रूप से मंत्री जी ने कहा कि तोड़ना पड़ेगा तो बिना डिमोलिश किए वहां पर बन नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। और जो 179 जमीन अभी यहाँ पर दिखाया गया है उसके अगल बगल में सरकारी जमीन है जो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमित किया गया है। मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदय कि जो अस्पताल है जहां बन रहा था उसको यदि हम तोड़ेंगे और वहां बनाएंगे तो अतिक्रमण जो जमीन हुई है उसको खाली करने पर काफी जमीन है वो बन सकता है अध्यक्ष महोदय। अभी जो 2 एकड़ जमीन मांग रहा है तो फिर उसमें एजेंसी के कहे कि 2.5 एकड़ जमीन नहीं है। प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि यदि 2.5 एकड़ चाहिए तो 2.5 एकड़ मांगना चाहिए था। अगर 2.5 एकड़ नहीं मांगा गया तो 179 जो है अगर 2 में बन सकता था, 179 के बाद थोड़ा जमीन वहां पर अतिक्रमण है। मान्य सदस्य मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ कि जब इसका निविदा प्रकाशित हुआ था तो मेरे समझ से निविदा प्रकाशित होने के पूर्व जमीन का व्यवस्था होना चाहिए, और बिना जमीन का व्यवस्था किए निविदा हो जाना और फिर कार्य प्रारंभ हो जाना और कार्य को इस तरह से सरकार का राशि का खर्चा भी कर देना और जनहित में वो कार्य न होना, ये एक ठीक व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए और माननीय सदस्य के साथ बैठ करके जो भी निराकरण हो उसके पर आवश्यक निर्णय लें। 277 रुपए का उसमें 3,25,91,700 रुपया एडवांस किया गया और उसमें से खर्चा इन्होंने दिखा दिया 1,25,00,000 रुपया। तो अध्यक्ष महोदय ये वित्तीय वित्त है कि नहीं अध्यक्ष महोदय? ठीक है माननीय मंत्री, जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय पैसे का दुरुपयोग कार्रवाई करना चाहेंगे मंत्री बोल रहे हैं मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य की चिंता से निश्चित तौर पर इनकी चिंता जो है लाजमी है और इन्होंने जो वित्तीय अनियमितता की बात कही है हम इससे सहमत हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक भारी जो है गड़बड़ियां हुई हैं। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि अध्यक्ष महोदय कि जो भूमि है उस माननीय सदस्य ने कहा है कि अगल बगल अतिक्रमण है, हम लोग उसका भी उपायुक्त के माध्यम से उसको जल्द ही हम उस अतिक्रमण को मुक्त कराकर
यदि संभव हुआ तो उसको तोड़कर फिर से जो है 2021 में हम उसको जो है नवनिर्माण करेंगे और जो संवेदक और अभियंता हैं उन पर जो है हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये सरकार कहीं पर भी किसी भी कि एक मिनट मान्य सदस्य हो गया अध्यक्ष महोदय, हम हमारी सरकार किसी भी अधिकारी या संवेदक को बचाने के पक्ष में नहीं है। जिन्होंने भी अनियमितता की है उसको काली सूची में ही नहीं डालेंगे बल्कि उसके विरुद्ध जो है जो हमारी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करनी है उसको भी हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय मान्य सदस्य हो गया कैसे पूरा करेंगे दस बजे 2021 तो अब समाप्त हो रहा है 15 दिन के अंदर तो होगा नहीं दस बजे, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि 21 मार्च में इसको निश्चित रूप से पूरा कर दें और दोषी पर कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय ये पैसा जो संबंधित अभियंता है और जो तोड़ने का पैसा लगेगा वो और 1,25,00,000 रुपया जो उन्होंने खर्चा किया है क्या सूद समेत उस अभियंता से पैसा वापसी कराने का निर्णय मंत्री जी ने? अच्छा विधि सम्मत बोले ना, विधि सम्मत बोले जी 21 मार्च पे। अध्यक्ष महोदय 21 अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय 21-22 में कराया जाएगा लेकिन हम पूरी तरीके से जो भी अनियमितताएं हुई हैं इसको फिर से हम मजबूती से जांच करवाएंगे और जांच करवा के जिन लोगों ने भी अनियमितताएं की हैं उनको हम विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे और संवेदकों को काली सूची में भी डालेंगे अध्यक्ष महोदय और इसके नवनिर्माण का भी काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय मान्य सदस्य नीरज यादव 21-22 में हम इसको जो है करेंगे। अध्यक्ष महोदय मान्य सदस्य नीरज यादव जी कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महोदय पंचखेरो जलाशय और केशो जलाशय महोदय ये वर्ष 1984 में एकीकृत बिहार के समय शिलान्यास किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन के द्वारा महोदय और 37 वर्ष पूरा होने के बाद में भी महोदय आज ये केशो जलाशय के निर्माण में ये सिर्फ राशि बढ़ोतरी हो रही है महोदय, उस पर कार्य नहीं हो पा रहा महोदय। शुरू में ये प्राकलित राशि 7 करोड़ थी महोदय, 2011 में ये 66 करोड़ बढ़ करके हो गई और अभी वर्तमान में महोदय 119 करोड़ हो गई है, लेकिन ये जलाशय का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है महोदय। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहेंगे महोदय कि 37 वर्ष पूर्व में जो ये कार्य किया गया है इसके पीछे ये था महोदय कि इसके निर्माण होने से कोडरमा जिला के अंतर्गत डोमचाज प्रखंड है महोदय, मरकच्चो, जयनगर, ये तीनों प्रखंड के हजारों एकड़ जमीन महोदय जिसमें निमाडी, बासडी, कुंडी धरवान, मसमोहना, कैला खंडर, बच्छेडी, दुधपनिया, कोंड्राडी, चौपनाडी, सोनेडी डब्बा, ऐसे दर्जनों गांव महोदय उसे पटवन का लाभ मिलता आच्छादित होते, लेकिन आज तक ये कार्य अधूरा है महोदय। तो हम कहना चाहेंगे महोदय आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि ये केशो जलाशय का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए जिसे कि कृषकों को वहां पर लाभ मिल सके महोदय, जिस उद्देश्य से कार्य शुरू किया गया। माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य के बातों से सहमत हूँ कि ये योजना केशो जलाशय जलापूर्ति योजना जो है, ये केशो जलाशय सिंचाई योजना जो है ये काफी लंबे समय से लंबित है और लेकिन इसमें कुछ बाधाएं आ गई थी जिस समय इस योजना का सर्वे हुआ था उस समय डूब क्षेत्र में वहां कोई क्षेत्र नहीं आ रहा था। बाद में 11 लोगों ने न्यायालय में दावा कर दिया, इसलिए मामला बहुत दिनों तक न्यायालय में भी लंबित था। अभी लगभग ये न्यायालय का मामला समाप्त होने की स्थिति में और जो एजेंसी थी उस पर भी अधिक भुगतान का आरोप था, अधिक भुगतान का तो एजेंसी और अभियंताओं पर एसीबी का मामला चल रहा है। अभी हमारा नया एसओआर नहीं आ पाया है, नया एसओआर आते ही हम लोग इस योजना को फिर से चालू करके और जनता को हम लोग समर्पित करने का काम करेंगे। महोदय एक आग्रह था महोदय, वो एसीबी जांच वो सब कुछ होता रहे महोदय, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो जो होता रहेगा वो होता रहे, यहाँ पर कृषकों को पटवन का लाभ मिले महोदय, बस इतना ही आग्रह था। बाकी ये न्यायालय की प्रक्रिया है महोदय, ये तो चलता रहेगा। ये मैंने आश्वस्त किया है माननीय नीरज यादव जी को कि हम लोग नया सो आ रहते ही अब नया ये इसका पुनरीक्षित जो लागत राशि है 131.98 करोड़ हो गई है और नया एसओआर के साथ प्राकलन तैयार करके और
बजट में जो उपबंध होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर जरूर कराएंगे। चलिए, सभापति सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत सरकारी उपक्रम संबंधित समिति की का 25वां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। मंत्री प्रभारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेयजल स्वच्छता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 37,72,16,95,000 रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री भानु प्रताप शाही, मनीष जायसवाल, बिरिंची नारायण, विनोद कुमार सिंह एवं डॉक्टर लंबोदर महतो सविषय के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 28 से 32 तक व्यापक है। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही या मनीष कुमार अनुपस्थित हैं तो श्री मनीष कुमार जायसवाल अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैं मांग करता हूं कि इस मांग के शीर्षक को 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।